हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। इस बार की जो वीडियो लेके आ चुका हूँ फ्रॉम द कंपनी ऑफ सिप्ला कंपनी। सिप्ला आप लोगों को जैसे कि पता है मेडिसिन कंपनी है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है एम्प्लॉय काम करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। एंड सिप्ला में जो भी वैकेंसीज इस बार निकला हुआ है, किस तरह से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, उसके बारे भी सारे जानकारी जो है यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। तो देखते रहिएगा पूरा वीडियो अंत तक। यहाँ पे आप लोगों को सिप्ला मेडिसिन कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए पूरा मौका जो है यहाँ पे दिया जा रहा है, किस तरह से आप लोग एप्लीकेशन करके जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आप सभी लोगों के पास रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह की जॉब रिलेटेड वीडियो जो है मिलता रहेगा। तो इसी के साथ साथ और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए कमेंट में बता सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज के लिंक भी नीचे दिया जाता है, आप लोग वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी आप लोगों को हर एक जो है जानकारी मिल जाएगा। तो पहले तो आप लोगों को क्या करना होगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल जो वेबसाइट दिया गया है उसके ऊपर आप लोग क्लिक करके इसी जो वेबसाइट है यहाँ पर आ सकते हो। एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख पाओगे क्या जॉब नोटिफिकेशन या जॉब वैकेंसीज निकला हुआ है। तो पहले आप लोगों को बता देता हूँ, सिप्ला के जो ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की जो है डैशबोर्ड जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो मेन पेज है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बता दिया जा रहा है आवर हाईली स्किल्ड ग्लोबल वर्क फोर्स विद देयर अनवर्विंग कमिटमेंट एंड एक्सेलेंस हैज बीन अ क्रिटिकल पिलर ऑफ द सिप्ला सक्सेस स्टोरी। वी अचीव आवर शेयर गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय द स्ट्रेटेजी फोकसिंग ऑन अट्रैक्टिंग रिटेनिंग एंड डेवलपिंग द करेक्ट टैलेंट मिक्स विद द डाइवर्सिटी इन रिलेशन टू जेंडर एज एक्सपर्टीज एंड जियोग्राफिकल हेटरोजेनिटी। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो जो बता दिया जा रहा है कंपनी के तरफ से, इसके बाद बता दिया जा रहा है कि फाइंड ए जॉब, मतलब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितनी भी जॉब वैकेंसीज यहाँ पे अपलोड किया गया है सिप्ला कंपनी के तरफ से, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इसमें चेक करने के लिए आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 71 वैकेंसीज जो है इस बार के जॉब अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा जो भी कैंडिडेट देख रहे हो इस वीडियो को, उनके लिए 71 जॉब वैकेंसीज यहाँ पे अपडेट किया गया है, मतलब इस वैकेंसीज के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करने वाले, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो वैकेंसीज निकला हुआ है ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पर भी जॉब वैकेंसीज निकला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क, इस तरह की जो है जो अदर्स कंट्री है जहाँ पे भी जॉब वैकेंसी निकला हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ जूनियर टीम मेंबर के लिए पोस्ट निकला हुआ है, जो कि गोवा में रहने वाला है। उसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है लैब टेक्नीशियन के पोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। इसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है जूनियर ऑपरेटर प्रोडक्शन के लिए, जूनियर ऑपरेशन ऑफिसर प्रोडक्शन, इस तरह की आप लोग देख पाओगे वन बाय वन आप लोग बहुत सारे जो है जॉब वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप पे यहाँ पे आप लोग इस तरह की जॉब वैकेंसीज यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। एंड यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कोई भी एक जॉब आपके सुइटेबल किया या आपके क्वालिफिकेशन से मैच करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। एंड उसमें देखना पड़ेगा कि क्या जॉब क्राइटेरिया रहने वाला है, जॉब के जो डिटेल्स क्या दिया जा रहा है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर चुका हूँ जूनियर टीम मेम्बर के लिए, जहाँ पर आप लोग देख सकते BSc विद माइक्रो बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग क्वालिफाई कर एप्लीकेशन कर सकते हो। 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। एंड जॉब लोकेशन जो रहेगा गोवा में। एप्लीकेशन करने के लिए अप्लाई के ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा अकाउंट, पहले तो जैसे कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है
यहाँ पे आपको मेन जो फॉर्म दिया जा रहा है उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, आपका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा, उसके बाद पासवर्ड देना होगा, आपका नाम देना होगा, आपका कंट्री सिलेक्ट करना होगा, देन आपको जो है इस क्रिएट अकाउंट को बनाना होगा। तो इस तरह से आपको जो है आपका यहाँ पे जो अकाउंट दिया जा रहा है इस अकाउंट को मस्ट क्रिएट करना होगा। एंड इसको क्रिएट करने के बाद जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे अलग से एक जो है पेज जो है ओपन हो जाएगा। एंड देन आपको वहाँ पे जो मेन फॉर्म है आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो आपको इस तरह से अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वहाँ पे आपका जॉब एप्लीकेशन करने के लिए जो फॉर्म दिया जाएगा उस फॉर्म में आपका डिटेल भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका एडुकेशनल डिटेल, आपका पर्सनल डिटेल, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप लोग देख पाओगे, सब कुछ डिटेल में देख पाओगे। एंड वहाँ से आपको जो है एप्लीकेशन करना होगा। तो एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, अगर आप मेल हो फीमेल हो दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हो। एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे 18 से भी ज़्यादा अगर है तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। और एप्लीकेशन करने के लिए आपको लास्ट डेट भी नहीं दिया गया, आज ही पोस्ट हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जो भी कैंडिडेट देख रहे हो इस वीडियो को, जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर दीजिए। एंड एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप लोग देख लिया किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। इस तरह से अलग से जो भी और भी पोस्ट निकला हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हो 71 पोस्ट, आपको क्या करना होगा, वन बाय वन चेक करना होगा कोई भी एक पोस्ट जो कि आपके क्वालिफिकेशन से मैच करते हो, एंड देन आप लोग वहाँ पे एप्लीकेशन भेज सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को हर रोज़ मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।